के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार ने बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी थी ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। वक्त गुजरता गया और हालात सामान्य होते गए, जिसको देखते हुए अब मुरादाबाद की जिला कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई है। सप्ताह में किसी एक व्यक्ति से ही बंदी मिल सकेगा। मुरादाबाद की जिला कारागार में भारी संख्या में बंदियों के परिजन पहुंच रहे हैं और अपने अपने बंदी से मिल रहे हैं, तो वहीं बंदियों से मिलाई करने आए परिजनों में भी खुशी है और उनका कहना है कि काफी समय बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अच्छा फैसला है, काफी समय से हम मिलाई खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा का कहना है कि जिला कारागार मुरादाबाद के सभी बंदी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मुलाकात खुले। आज काफी समय बाद मुलाकात फिर से शुरू हुई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि एक बंदी की एक व्यक्ति से प्रत्येक सप्ताह में मुलाकात कराई जाएगी और यह देखा जाएगा कि 72 घंटे की RT-PCR अथवा उसके पास दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उसी व्यक्ति की मुलाकात कराई जाएगी। और बंदियों के लिए भी साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है तथा जो परिजन बाहर से आ रहे हैं मिलने के लिए उनको भी बंदियों से थोड़ा दूरी पर बिठाकर और साफ सफाई कराकर मुलाकात कराई जा रही है। मेरा नाम विजय पाल है जी। कहाँ हैं? रेरी से आए हैं जी। किससे मिलना है आज? अपने लड़के से मिलना है सर। काफी समय से बंदी मिलाई, क्या कहेंगे? तो बढ़िया बात है, ये तो खुली मिलाई जुलाई मिल तो रही है। हाँ तो क्या मानते हैं, खुली रहनी चाहिए? हाँ खुली रहनी चाहिए साहब, मिलाई होनी चाहिए। कितने समय में मिलना है? मिलाई 2.5 महीने में आए जी। कौन है आपके अंदर? लड़के हैं जी। कब से अंदर है? 2.5 महीने हो गए। क्या चाह रहे हैं आप? हैं अब क्या चाहते साहब, अब तो लिख लेगा जब लिख लेगा। सर लंबे वक्त के बाद फिर एक बार जो बंदी हैं उनके लिए मुलाकात होगा, सिलसिला जान हो चुका है कि गाइडलाइन के मुताबिक जिला कारागार मुरादाबाद एक महत्वपूर्ण कारागार है। यहाँ पर लगभग 3,500 बंदी निरुद्ध हैं। लगभग 2.5-3 महीने से बंदी अपने परिजनों से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब कोविड खत्म हो और मुलाकात चालू हो। आज बंदियों की इच्छाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से मुलाकात चालू कर दी है। उसमें जो शर्तें लगाई हैं, जैसे कि डबल डोज वैक्सीनेटेड होना चाहिए या 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त बंदियों को सैनिटाइजेशन प्रॉपर कराया जा रहा है, बंदी और उनके परिजनों को अलग बिठाया जा रहा है ताकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो, दूरी बनाई रखी जा सके ताकि जेल को सुरक्षित रखा जा सके और पूरा स्वच्छ रखा जा सके। लंबे वक्त के बाद मुलाकात का सिलसिला जारी हुआ है, जो मुलाकात करने आ रहा है किस तरह से चिंता है? देखिए आज ये देखा गया लगभग 500 लोगों ने मुलाकात अभी तक कर ली है। 500 लोगों में से जो बंदी के परिजन हैं वो भी बहुत खुश हैं तथा जो बंदी हैं वो भी बहुत खुश हैं। अतः ये सरकार का फैसला बंदियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी फैसला है। सभी बंदी और उनके परिजन न केवल खुश हैं बल्कि इस बात की खुशी मना रहे हैं और उत्सुक हैं कि भविष्य में उनके और भी परिजन आएंगे तथा जिन बंदियों के घर वाले अभी नहीं आए हैं वो निकट भविष्य में आएंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। ये शासन का निर्णय है कि हफ्ते में एक बंदी की एक व्यक्ति से मुलाकात कराई जाएगी, तो हमारी तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जो भी बंदी शासन की शर्तों के अंतर्गत डबल डोज वैक्सीनेटेड परिजन आते हैं उस बंदी की मुलाकात कराई